खुशियों से भरा तब ये दिन हम आए हैं मंदिर में अपना सर्वस्व चढ़ा करते हैं तेरा गुणगान खुशियों से भरा तब ये दिन हम आए हैं मंदिर में अपना सर्वस्व चढ़ा पावन मंगल ये दिन प्रभु तुमसे मिला वरदान उल्लास भरा तब ये दिन हर्षित करता तन मन नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए हम करते हैं तुझको प्रणाम खुशियों से भरा प्रभु ये दिन हम आए हैं मंदिर में अपना सर्वस्व चढ़ा करते हैं तेरा गुणगान अपना सर्वस्व चढ़ा करते हैं तेरा गुणगान पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं। आगमन काल हमें प्रभु के आने की प्रतीक्षा करना सिखलाता है। जब हम प्रभु की आगवानी करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो केवल बाह्य रूप से ही नहीं लेकिन आंतरिक रूप से भी हम अपने आप को तैयार करें। बहुत बार इस आगमन काल में हम लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, घरों की पेंटिंग करते हैं जिससे हम अपने घर को स्वच्छ रखें। पर हमें इस आगमन काल में अपने अंतरात्मा को भी देखने की आवश्यकता है कि हम आंतरिक रूप से अपने आप को उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए कितना तैयार रहते हैं। वास्तव में प्रभु हमारे समक्ष प्रत्येक दिन रोटी और दाखरस के रूप में आते हैं। हमारे हृदय में वह प्रत्येक दिन आते हैं और उस प्रभु को हम सशरीर ग्रहण करते हैं। पर जब हम क्रिसमस की तैयारी करते हैं, प्रभु मसीह के जन्मोत्सव की तैयारी करते हैं तो हम बाह्य रूप से यह दिखाते हैं कि वास्तव में राज राजेश्वर प्रभु ईश्वर हमारे समक्ष एक मनुष्य के रूप में मनुष्य का रूप धारण कर एक दीनहीन मानव बनकर इस संसार में आते हैं। पर वह हमारे हृदय में पहले ही आ चुके हैं। आइए इस मिसा बलिदान को चढ़ाने से पहले हम अपने आप को जांचें। उस प्रभु की उपस्थिति को जब हम अपने जीवन में नहीं पहचानते हैं उस समय के लिए हम प्रभु से माफ़ी मांगें। हम पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु के पास आएं, अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को, जो भी छोटे मोटे कुकर्म हम करते हैं उसके लिए हृदय से पश्चाताप करें जिससे हम प्रभु को ग्रहण कर सकें, प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। आइए सभी पापों पर पछताते हुए हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लें। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें, क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें, तुमसे दूर हुए हैं प्रभु जी, क्षमा करो हमें, झूठी कसम खाई हमने, क्षमा करो हमें, तुमसे दूर हुए हैं प्रभु जी, क्षमा करो हमें, झूठी कसम
कसम खाई हमने, क्षमा करो हमें, क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें, क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें, आमीन। हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने व्यक्तिगत निवेदन, आवश्यकताएं, जरूरतें पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हे प्रभु, अपनी ईश्वरीय शक्ति से हमारा हृदय तैयार कर कि हम तेरे पुत्र ख्रीस्त के आने पर अनंत जीवन के भोज में सम्मिलित होने के योग्य पाए जाएं और उनके पावन हाथों से दिव्य आहार ग्रहण कर सकें। ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं, आमीन। पहला पाठ, नबी इसायस का ग्रंथ, अध्याय 25, पद संख्या 6-10 तक। पाठ का मुख्य विषय है, प्रभु एक भोज की तैयारी करेगा और सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु प्राप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो यही हमारा ईश्वर है, उसी से हमें अपने उद्धार की आशा थी, यही प्रभु है, उसी पर भरोसा था। हम उल्लासित होकर आनंद मनाएंगे, क्योंकि उसने हमारे उद्धार किया है। इसी पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य, मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है। वह मुझे विश्राम के लिए जल के पास ले जाकर मुझे नवजीवन का संचार करता है। अनुवाक्य, मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। वह अपने नाम का सच्चा है। वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य, मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य, मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूंगा। अनुवाक्य, मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। जय घोष, आलेलुया। देखो
प्रभु अपनी प्रजा को बचाने आ रहा है। धन्य है वे जो उसकी आगवानी करने के लिए तैयार हैं। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े और वहां बैठ गए। भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ लेकर यीशु के चरणों में रख देते थे और यीशु उन्हें चंगा करते थे। गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं। लोग यह देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और इसराइल के ईश्वर की स्तुति करने लगे। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। मैं इन्हें भूखा ही विदा नहीं करना चाहता, कहीं ऐसा न हो कि ये रास्ते में मूर्छित हो जाएं। यीशु ने उनसे कहा, इस निर्जन स्थान में हमें इतनी रोटियां कहाँ से मिलेंगी कि इतनी बड़ी भीड़ को खिला सकें। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी मछलियां। यीशु ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां और मछलियां लेकर उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वह रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए और शिष्य लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्रभु की स्वीकार ले भगवन, लाए प्रभु की स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार भाइयों बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर
मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति का यह बलिदान लगातार तेरे सम्मुख चढ़ाया जाए। यह बलिदान अपना उद्देश्य पूरा करें और हमारी मुक्ति का प्रबल साधन बने। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की तथा हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब ये अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने
और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयोग मिलते रहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर ईश्वर के राज्य की आगमन के लिए प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। स्वामी
हम प्रार्थना करें। हे दया सागर प्रभु, हम तुझसे याचना करते हैं कि यह दिव्य प्रसाद हमें सब बुराइयों से शुद्ध कर आगामी पर्व के लिए तैयार करें। यह कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। हर घड़ी में ये सुनाम, हर पल में ये सुनाम, हर घड़ी में ये सुनाम, हर पल में ये सुनाम, हर क्षण में ये सुनाम दिल से भजो रे।